हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है, अब हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। इस लेक्चर में हम जो चैप्टर टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसका ओवरव्यू है। इसमें हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स, द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और ये जो रेस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं वो हम इसके थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल We will discuss the nature और method of political participation, कि कौन कौन से methods हैं जिनके through जो people हैं वो politics में participate करते हैं। तो first is community activities and the second one is active interaction between government and citizens. तो these are the two methods by which the people participate in political affairs. Clear? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी एक्टिविटीज़ की। ठीक है, कम्युनिटी क्या है? जैसे कोई भी कम्युनिटी, जैसे इंडियन कम्युनिटी की बात करें या साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी की बात करें या नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है, किसी भी कंट्री के रहने वाले जो लोग हैं उनकी सोसाइटी है उसको कहते हैं कम्युनिटी या एग्लोमिग्रेशन, जो कि हमने पढ़ा था। व्हाट इज़ कम्युनिटी एक्टिविटीज़? तो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इन दीज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी वर्क टुगेदर फॉर ए कमर्शियल पर्पज़ लाइक सिक्योरिटी, क्लीनिनेस। ठीक है, तो अपनी खुद की कमर्शियल पर्पज़ के लिए जब एक कम्युनिटी एक साथ काम करती है तो दैट इज़ नोन एज कम्युनिटी एक्टिविटी। व्हेन वन और मोर पर्सन मीट ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग पब्लिक इशू देन इट इज़ एज ऑल्सो कंसीडर ए कम्युनिटी एक्टिविटी। जब एक से ज़्यादा लोग, ठीक है, किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं फॉर द पब्लिक इशूज़, किसी भी पब्लिक इशू से रिगार्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब एक से ज़्यादा लोग किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं तो दैट इज़ नोन एज उस एक्टिविटी को भी हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी एक्टिविटी। इसके अलावा मार्चेस करना, मार्च यानी प्रोटेस्ट मार्च करना, स्ट्राइक हड़ताल करना, ठीक है, दीज आर ऑल्सो द अदर फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी एक्टिविटी। इनफैक्ट एनी काइंड ऑफ सोशल वर्क, किसी भी तरह का सोशल वर्क डन बाय पीपल फॉर देयर वेलफेयर ऑफ देयर कम्युनिटी इज कॉल्ड कम्युनिटी एक्टिविटी। यानी किसी भी तरह का सोशल वर्क जो कि लोग अपने खुद के वेलफेयर के लिए, अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए करते हैं तो दैट इज नोन एज कम्युनिटी एक्टिविटी। सोशल मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है? सोशल मीडिया। बोथ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी इज कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और सबसे पहले जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो कहाँ देखने को मिलती है हमें? स्विट्जरलैंड में। और इसे सबसे पहले जो इसको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इनिशिएट किया था वो किसने किया था? रूसो की जो राइटिंग्स है, उसके जो लेख हैं, उसकी जो बुक्स हैं, उसमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो बिहेवियरलिस्ट जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी राइटिंग्स में हमें इनिशिएटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में देखने को मिलता है। द नेक्स्ट मैथड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज एक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। यानी सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या होगा? एक्टिव इंट्रैक्शन होगा। तो ये टू वे एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, यानी एक पार्टी एक्ट करती है तो दूसरी पार्टी क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है। ये एक्ट करेगी तो ये रिस्पॉन्ड करेगी, और जब ये एक्ट करेगी तो ये क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करेगी। एक्ट यानी जब से लोग कोई एक्ट यानी कोई भी एक्शन में एक्टिविटी करते हैं तो उसके अगेंस्ट में या उसके फेवर में गवर्नमेंट रिएक्ट करती है, और जब गवर्नमेंट कोई भी एक्ट को करती है तो उसके अगेंस्ट या के फेवर में जो सिटीजन है वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। इस तरह से ये टू वे एक्टिविटीज है। इन अदर वर्ड्स, सिटीजन्स कैन ऑल्सो टेक इनिशिएटिव टू स्टर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को स्टर करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। द स्टेट और द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक इनिशिएटिव टू एंश्योर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसके अलावा जो स्टेट है, यानी दो तरह से होता है, सिटीजन्स और स्टेट, दोनों क्या करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हमने मेथड्स तो पढ़ लिए कि सिटीजन और स्टेट दोनों करते हैं, लेकिन दोनों कैसे करते हैं? तो उनके जो पार्टिसिपेशन है उनकी एक्टिविटीज़ को टू टाइप्स में डिफाइन किया गया है। वन इज कन्वेंशन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो कन्वेंशनल को ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं और नॉन कन्वेंशनल को नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन ए पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन, determination and implementation of public policies and decision, then his or activities is known as political participation. यानी जब कोई भी person किसी भी government की policies, उसके decision, उसके formation में participate करता है तो इसकी ये activity क्या कहलाती है? Political participation. Now
द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सिटीजन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं करते थे, तो वो गवर्नमेंट को क्या करते थे, राइट लेटर्स टू गवर्नमेंट, ठीक है, अथॉरिटीज फॉर एडिटर्स, एडिटर की जो अथॉरिटीज थी, कंडक्ट सिग्नेचर कैंपेन, उसके अलावा जो सिग्नेचर कैंपेन है वो रन करते थे, यानी लेटर्स लिखते थे, उस लेटर को अथॉरिटीज के पास भेजते थे, एडिटर्स के पास, और उनसे साइन करवा के एक कैंपेन है वो रन करवाते थे। पार्टिसिपेशन थ्रू प्रेशर ग्रुप्स, इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स यानी कुछ लोग हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते थे और उस ग्रुप के थ्रू गवर्नमेंट के जो भी लीडर्स हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन पर क्या करवाया जाता है, प्रेशराइज करवाया जाता है। पॉलिटिकली पब्लिसिटी कैंपेन है, वो रन करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पब्लिसिटी करेंगे, प्रचार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो लोग गवर्नमेंट में क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। फाइटिंग इलेक्शन फॉर पब्लिक पोस्ट, जो डिफरेंट पब्लिक पोस्ट हैं उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, इलेक्शन में खड़े होते थे, लड़ते थे। कॉलिंग बैक द रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव को कॉल बैक करना, रिकॉल करना, यानी उनका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले उनको उनकी पोस्ट से हटा देना। टू मेक द प्रपोजल फॉर ए पब्लिक वेलफेयर वर्क, और पब्लिक वेलफेयर वर्क के लिए प्रपोजल तैयार करना। तो दीज वर द मैथड बाय विच द सिटीजन टेक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मैटर्स, इशूज और पॉलिसीज, एंड दिस वॉज नोन एज ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। नाउ हाउ द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन ट्रेडिशनल टाइम में जो स्टेट है वो कैसे पार्टिसिपेट करता था, कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ स्टेट पार्टिसिपेशन दैट कम अंडर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी होल्ड इलेक्शन, यानी स्टेट क्या करेगा, यानी स्टेट क्या करेगा, स्टेट इलेक्शन होल्ड करवाता था, इलेक्शन मैनेज करवाता था, पब्लिक हियरिंग यानी जन सुनवाई की जाती थी, लोगों की प्रॉब्लम्स जो भी होती थी उससे डायरेक्ट जो भी है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है वो उनकी बात को सुनते थे, उनकी कंप्लेंट को सुनते थे, उसका सॉल्यूशन है वो सॉर्ट आउट करते थे। फॉर्मिंग एडवाइजरी काउंसिल, इसके अलावा क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो पॉलिटिशियंस हैं उनके काम को ऑब्जर्व करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल है वो अपॉइंट कर दी जाती थी, और एडवाइजरी काउंसिल उनके वर्क को क्या करती थी, ऑब्जर्व करती थी, उनको हेल्प करती थी, उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करती थी। आस्क फॉर वोटिंग रिगार्डिंग एन इशू ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और पब्लिक वेलफेयर से रिगार्डिंग कोई भी इशू है, कोई भी मैटर है, तो उससे क्या करेंगे, उस पर वोटिंग करवाई जाती थी। तो दीज वर द मैथड्स ऑफ ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट। नाउ नॉन ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो नॉन कन्वेंशनल जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है इसको डी नेचर्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कहा जाता है, या ऑफेंसिव फॉर्म ऑफ ह्यूमन चेन भी कहा जाता है, ठीक है, डी नेचर्ड है यानी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या सिटीजन कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो प्रोटेस्ट मार्चेस यानी अगेंस्ट में मार्च करते हैं, ठीक है, पोस्टर से वो पोस्टर जगह जगह पोस्टर लगवाना, नुक्कड़ प्लेस करना, धरनास करना, हंगर स्ट्राइक करना, ठीक है, किसी भी ऑफिशियल प्राइज या अवार्ड को रिफ्यूज़ करना, सिविल डिसऑबिडियंस करना, यानी जो भी गवर्नमेंट का अनजस्ट लॉ है उसको फॉलो नहीं करना, उसको ओपनली ब्रेक करना, पॉलिटिकल वायलेंस यानी जैसे बॉम्ब ब्लास्ट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करना, ठीक है, रोड्स पे जो है धरना देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना, इस तरह से वॉलेंस किया जाता है। तो दीज आर द मैथड बाय, दीज आर द मॉडर्न यू नो वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन विच इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द सिटीजन्स। नाउ आज स्टेट है वो कैसे पार्टिसिपेट करता है नॉन ट्रेडिशनल वे में, तो स्टेट क्या करेगा, ऑर्गेनाइज फंक्शन ऑन नेशनल फेस्टिवल, जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं उन पे फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, लाइक रिपब्लिक डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे की जो परेड है उसको ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट ऑफ कैंपेनिंग लाइक वाइज पल्स पोलियो, लिटरेसी, प्लांटेशन एक्सेट्रा, जो भी पब्लिक इशू से रिगार्डिंग जो मैटर्स है उन पे कैंपेन रन करना, ओपनिंग होगा प्रोग्राम्स, ठीक है, लोगों को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए, एंड होल्डिंग कॉम्पिटिशन ऑफ ऐसे डिबेट्स एंड क्विज, दीज आर द नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट। क्लियर, अब इससे रिगार्डिंग दो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो आपको कहना कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द टॉपिक्स टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।